गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाय, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, टुडे लेट्स स्टार्ट सिक्स चैप्टर वी नीड फूड इन आवर साइंस बुक. वी ऑल नीड फूड. हम सभी को फूड की ज़रूरत होती है. फूड गिव अस एनर्जी स्ट्रेंथ टू वर्क एंड प्ले. फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. क्या करने के लिए? वर्क एंड प्ले. इट हेल्प अस टू ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. और ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? हेल्दी रहने में और स्ट्रॉन्ग बनने में. नेक्स्ट इज सर्कल द थिंग्स यू फील आर टेस्टी बट नॉट गुड फॉर हेल्थ. टिक द वंस दैट आर गुड फॉर हेल्थ बट यू डू नॉट लाइक. आपको इन सभी थिंग्स में से उन चीज़ों पर टिक करना है जो हेल्दी तो होती है बट आप उनको लाइक नहीं करते. फर्स्ट इज मिल्क, एग, ब्रेड, फ्रूट्स, स्नैक्स, जूस, बनाना, कॉर्न, चीज़, ऑमलेट, कर्ड, आइसक्रीम, सूप, पिज़्ज़ा, चिकन एंड फ्रूट्स. स्टूडेंट्स, अभी आपको इनमें से उन सभी चीज़ों पर टिक करना है जो आपके लिए हेल्दी होती है. सो फर्स्ट इज हेल्दी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं हमारे लिए? मिल्क होता है, एग, ब्रेड, जूस, कॉर्न, फ्रूट्स, कर्ड एंड वेजिटेबल्स. नेक्स्ट इज फूड ग्रुप्स. फूड कैन बी डिवाइड इंटू थ्री ग्रुप्स. फूड को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? थ्री ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड, सेकेंड इज बॉडी बिल्डिंग फूड एंड थर्ड इज प्रोटेक्टिव फूड. वी शुड ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट टू स्टे हेल्दी. ईटिंग टू मच कैन मेक अस फैट एंड ईटिंग टू लिटिल कैन मेक अस वीक. हम सभी क्या करते हैं? हम सभी बहुत तरीके के फूड्स खाना पसंद करते हैं जो हमें क्या करते हैं? हेल्दी रखते हैं. ईटिंग टू मच कैन मेक अस फैट. ज़्यादा खाने से हम कैसे हो जाते हैं? फैटी हो जाते हैं. एंड ईटिंग टू लिटिल कैन मेक अस वीक. और अगर हम कम खाना खाते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं. सो फर्स्ट टाइप ऑफ फूड इज़ एनर्जी गिविंग फूड. फूड लाइक पोटैटो, राइस, ब्रेड एंड शुगर गिव अस एनर्जी. खाने में पोटैटो, राइस एंड ब्रेड, शुगर, ये हमें क्या देते हैं? सभी एनर्जी देते हैं. दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. दे ऑल्सो हेल्प आवर बॉडी टू स्टे वॉर्म. ये हमारी बॉडी को क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ फूड इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड. मिल्क, चीज़, फिश, एग्स, पल्सेस एंड मीट हेल्प इन बिल्डिंग आवर बॉडी मसल्स. ये क्या हेल्प करते हैं हमें? मिल्क, चीज़, फिश, एग, पल्सेस एंड मीट हमारी बॉडी को क्या करते हैं? हमारी मसल्स को बनाने में हेल्प करते हैं, स्ट्रॉन्ग. दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. दे ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो एंड मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. इनसे क्या होता है? हमारी बोन्स जो होती है वो बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग बनते हैं. थर्ड टाइप ऑफ फूड इज़ प्रोटेक्टिव फूड. फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड नट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज. जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल एंड नट्स होते हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं किन से? डिसीज से, मीन्स बीमारियों से. दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. एंड देन द नेक्स्ट इज वाटर. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. पानी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. वाटर फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ द ब्लड. वाटर क्या बनाता है? एक हमारे ब्लड का मेजर पार्ट होता है. इट हेल्प्स टू थ्रो आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. ये हमारी बॉडी के वेस्टेज को बाहर निकालने में हेल्प करता है. वाटर ऑल्सो कैरीज फूड अराउंड द बॉडी. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे. इसलिए हमें क्या करना चाहिए? 8 to 10 ग्लासेज ऑफ वाटर डेली यूज़ करना चाहिए, पीना चाहिए. डिपेंडिंग ऑन देयर फूड हैबिट्स पीपल कैन आइदर बी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन. खाने की हैबिट को लेकर पीपल्स को हम किस में डिवाइड करते हैं? दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट होती है वेजिटेरियन एंड सेकेंड इज़ नॉन वेजिटेरियन. नॉन वेजिटेरियन कुक एंड ईट मीट ऑफ एनिमल. जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो क्या खाते हैं और पकाते हैं? वो
एनिमल्स के मीट को खाते हैं और पकाते हैं, लाइक गोट एंड हैन। दे ऑल्सो ईट एग्स एंड सम सी एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन एक्सेट्रा। और ये लोग क्या खाना पसंद करते हैं? एग भी खाना पसंद करते हैं, और सी एनिमल्स जो वाटर एनिमल्स होते हैं उन्हें भी खाना पसंद करते हैं, जैसे फिश एंड प्रॉन। वेजिटेरियंस ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। जो वेजिटेरियंस होते हैं या तो वो प्लांट्स ईट करना पसंद करते हैं या फिर प्लांट से बने प्रोडक्ट्स। दे डू नॉट ईट मीट एंड एग्स। ना तो वो ईट मीट खाना पसंद करते हैं और ना ही एग्स। नेक्स्ट, नेम द थिंग्स यू एट यस्टरडे एंड द टाइम व्हेन यू एट देम। आपने कल क्या खाया था और किस टाइम पे खाया था, आपको एक टेबल तैयार करनी है। फर्स्ट है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हम क्या क्या ईट करते हैं? मिल्क, बटर एंड ब्रेड। और क्या टाइमिंग होती है हमारे ब्रेकफास्ट की? 8 o'clock। स्कूल टिफिन में हम क्या लेके जाते हैं? वेजिटेबल्स, चपाती एंड फ्रूट्स। हमारे टिफ़िन, स्कूल टिफ़िन, और हम स्कूल कब तक जाते हैं? 8:15। लंच इज़ वेजिटेबल, चपाती, फ्रूट्स एंड नट्स। हमारे स्कूल टाइमिंग में लंच टाइमिंग कब होती है? 10:30। इवनिंग स्नैक्स का टाइमिंग होता है 4 o'clock। एंड हम क्या ईट करना पसंद करते हैं उस टाइम? फ्रूट्स एंड जूस। डिनर की टाइमिंग होती है 8 o'clock इन नाइट। चपाती, दाल, राइस एंड वेजिटेबल्स। डिड यू ईट थिंक फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स? यस। नेक्स्ट टॉपिक इज मील। मील इज़ द फूड वी ईट एट अ फिक्स्ड टाइम एवरी डे। मील फूड का सिर्फ एक पार्ट होता है जिसको हम एक फिक्स्ड टाइम पे खाते हैं डेली। वी ईट 3 मेन मील्स इन अ डे। हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं। दे आर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। इन बिटवीन वी मे ईट अ स्मॉल मील कॉल्ड स्नैक। अगर हम बीच में कभी भी कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? स्नैक। वी मस्ट ईट आवर मेन मील्स एट अ फिक्स्ड टाइम। हम जो अपना 3 टाइम का खाना होता है उसे टाइम पर ही खाना पसंद करते हैं। फॉलो दीज गुड हैबिट्स एंड बिकम अ सुपर किड्स। सो फर्स्ट इज़ वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग मील्स। आपको खाना खाने से पहले और बाद में अपने हैंड वॉश करने चाहिए। सेकेंड इज़ ऑलवेज ईट फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड। हमेशा फ्रेश और अच्छे से पका हुआ खाना खाना चाहिए। थर्ड इज़ ऑलवेज ईट फूड एट अ क्लीन प्लेस। खाना खाने के लिए हमेशा क्लीन प्लेस सजेस्ट करना चाहिए। फोर्थ इज़ ईट स्लोली एंड च्यू द फूड वेल। हमें हमेशा खाना कैसे खाना चाहिए? स्लोली और अच्छे से च्यू करना चाहिए। फिफ्थ इज़ डू नॉट बाय स्नैक्स एंड कट फ्रूट फ्रॉम रोड साइड हॉकर्स। हमें कभी भी बाहर से स्नैक्स नहीं खरीदने चाहिए और ना ही कटिंग वाले फ्रूट्स खरीदने चाहिए। सिक्स्थ इज़ ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। अवॉइड ईटिंग जंक फूड, और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। सेवन्थ इज़ ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे। दिन में हमें 2 ग्लास दूध पीना चाहिए। मिल्क कंटेन्स कैल्शियम दैट मेक्स अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। मिल्क में क्या होता है? मिल्क में कैल्शियम होता है जिससे हमारी बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं। एट्थ इज़ ईट अ लिटल लेस दैन वॉट यू कैन, नेवर ओवर ईट। हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हमें भूख है। कभी भी हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए।